रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर रेडी करेंगे। इसके लिए लिया है मैंने व्हीट फ्लावर। इसके अंदर मैं डालूंगी अजवाइन और मंगरेला, नमक, घी, मैंने आटा लगाकर रेडी कर लिया है और यहाँ तेल भी गर्म हो चुका है। तो चलिए हम तेल के अंदर डाल देते हैं जीरा। जीरा जब अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए तब मैं डालूंगी प्याज। प्याज के हल्का सा भुनने के बाद मैं डाल दूंगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। गोल्डन ब्राउन भुनने के बाद मैं डाल दूंगी पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। एक से दो मिनट तक भुनने के बाद मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, उबला हुआ आलू, फ्रेश कुटा हुआ काली मिर्च, पानी पूरी मसाला। सब्जियों को दो से तीन मिनट तक भुनने के बाद मैं डालूंगी चना का सत्तू। अगर आपके पास चना का सत्तू ना हो तो आप चना का बेसन जो होता है वो उसको भूनकर आप डाल सकते हैं। मैंने सब्जियों को चार से पाँच मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भूनकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी कोरिएंडर लीव और गैस के फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। स्टफिंग जब बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तब मैं आटे का एक रोटी बेलकर तैयार करूँगी। मैंने आटे का बिल्कुल पतला सा रोटी बेलकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। साइड से भी कट कर लेंगे। अब हम रोटी के एक साइड पर डालेंगे स्टफिंग और दूसरी रोटी से इसे ढक देंगे। इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ मैंने दबा दिया हुआ है। अब मैं एक फोक की सहायता से इसके ऊपर इस तरीके से निशान लगाऊंगी। इस तरह मैंने चारों तरफ से इसके निशान लगाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए इसी तरीके से मैं सबको बनाकर रेडी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ कुछ बनाकर रेडी कर लिया है और तेल भी यहाँ गर्म हो चुका है। तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद मैंने इसे सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार बना के जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।